हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगर वह आपसे बात करते तो वह आपसे क्या कहते। ये टॉपिक किसी ने सजेस्ट किया था, शायद आज ही सजेस्ट किया था, ये कमेंट मैंने शायद आज ही पढ़ा है कि अगर वह आपसे बात कर रहे होते या आपसे कुछ बात करते तो वो आपसे क्या कहते। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जो है वो आप कितने भी महीनों बाद देख रहे हैं या कितने भी सालों बाद देख रहे हैं, आप जब भी मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके और व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो जो बहुत से लोग बोलते हैं अब आज भी कमेंट करके कि मैम आपको देखा नहीं है कभी, आप लाइव भी नहीं आते हो, तो व्यूअर्स अगर आप इतना ही देखना चाहते हैं मुझे कि मैं कौन हूँ और कैसी दिखती हूँ या फिर क्या है मेरे थॉट्स, क्या है मेरे ओपिनियंस, तो आप मेरा दूसरा चैनल जो है न्यू चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर वह आपसे बात करते तो आपसे क्या कहते। ओके, अगर वह आपसे बात करते तो वह आपसे क्या कहते। ओके, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, इंटरेस्टिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हाट एल्स वी हैव, अगेन सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स दिस टाइम। Okay, spirits, please guide us. Knight of Cups, ठीक है, मैं थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करूंगी, आई वॉन्ट मोर कार्ड, नाइन ऑफ सोर्स, आई नीड वन मोर कार्ड, टेन ऑफ कप्स। व्यूअर्स, ये कार्ड रिवर्स में मिला है मुझे, तो मैं इसे उसी तरह से रीड करूंगी। ओके, तो अगर वह आपसे बात करते तो क्या कहते। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करते तो वो हो सकता है आपसे झगड़ा करते, आपसे आर्ग्यूमेंट करते, आपसे बहुत सारे सवाल गुस्से में पूछते। शायद उन्हें इस बात का डाउट, कंफ्यूजन, या उन्होंने ऐसा किसी से सुन लिया है या समझ लिया है कि आप शायद किसी और को चांस दे सकते हैं, किसी और में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उस बात से आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद इन्होंने ये कहीं से सुना है कि ये रिप्लेस हो सकते हैं किसी से, इसीलिए शायद ये आपसे झगड़ सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन ये झगड़ा और ये आर्ग्यूमेंट कोई बहुत इंटेंस नहीं है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है। ऐसा दिखता है जैसे बस इन्हें छोटी मोटी तू तू मैं मैं करनी है आपसे, कि तुमने क्यों नहीं किया, अगर मैंने बात नहीं की तो तुमने क्यों नहीं ट्राई किया, अगर मैं चुप था या चुप थी तो तुम तो कह सकते थे, या फिर मैंने नहीं अगर ये चीज़ की तो आप तो कर लेते। मतलब ऐसी बातें जो सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है या करती है। ओके, अगर वो आपसे बात करेंगे व्यूअर्स, तो वो आपको कोई डायरेक्ट प्रपोजल तो नहीं देंगे, लेकिन आपसे बात करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, और ऐसे वक्त में तुम भी प्लीज़ अजीब बिहेव मत करो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ़र तो देने आएंगे आपको, लेकिन लेट ऑफ़र देंगे, तो ये आपसे, अगर आप इनसे कमिटमेंट को लेकर या इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर कुछ बात करेंगे
तो ये आपसे यही कहेंगे कि अभी मैं आपको कुछ कमिट नहीं कर सकता या मैं अभी आपको किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको इस समय कुछ कमिट कर सकूं। हाँ, इन फ्यूचर मैं ज़रूर ये सब चीज़ों के लिए ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट फॉर नाउ मैं अभी आपको कमिट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। और ये वो बात आपसे डायरेक्ट कह देते अगर वो आपसे बात कर पाते, अगर वो आपसे एक्सप्रेस कर रहे होते चीज़ों को, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर कि वो एक्सप्रेस कर नहीं रहे हैं चीज़ों को। ओके, अगर वो व्यूअर्स वो आपसे बात कर रहे होते तो शायद वो आपसे आपसे नाराज हो जाते किसी बात पर, या कुछ आपसे ऐसा कह देते जिससे आपको हर्ट हो जाता। लाइक आपसे ऐसा कह देते कि मुझे पता था कि तुम जैसे लोग सिर्फ नकली करते हैं प्यार व्यार, तो इस बात से आपको हर्ट हो जाएगा। या कुछ ऐसा कह देते कि हाँ मुझे तुम्हारे कैरेक्टर का पता है, या वो ऐसा कह देते कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा या करूंगी। हालांकि उनका मतलब वो कहने का नहीं होता, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी बात कहते या करते जिससे आपको हर्ट हो जाए। तो ये अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग बातें आ रही हैं। झगड़ा आपसे करते हो सकता है आपको थोड़ा हर्ट कर देते कोई मीन बात कह के, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप किसी और को चांस दे देंगे, किसी और को प्रायोरिटी देंगे, तो इसी गुस्से में शायद वो आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल देते। लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात करते या सीरियस होने की बात करते तो वो शायद आपसे यही कहते कि अभी वो आपको कुछ कमिट कर ही नहीं सकते और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी मुझे काफी गुस्से वाले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है गुस्सा इनकी नाक पर रहता है, हर छोटी बात पर ये गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन जितनी जल्दी और जितना तेज इन्हें गुस्सा आता है, उतनी ही जल्दी और उतना ही क्विकली इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो गुस्सा जल्दी हो जाते हैं लेकिन फिर ठंडे हो जाते हैं, ऐसे हैं वोल्केनो की तरह। ओके, और लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अगर ये आपसे बात कर रहे होते तो ये आपको बताते कि ये रात में सो भी नहीं पाते हैं ना, इतना स्ट्रेस है, या फिर ये आपको इतना मिस करते हैं, इन्हें आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम इतना याद आता है, उन मेमोरीज को इतना रिकॉल करते हैं, रिक्रिएट करते हैं माइंड में कि इन्हें नींद नहीं आती। हो सकता है देर रात तक जाग के पुराने चैट्स, पुराने मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, पुराने पिक्चर्स सब कुछ देखते रहते हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते रहते हैं देर रात तक, बट ओवरऑल वो आपसे यही कहते कि उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती है। और व्यूअर्स वो आपसे ये भी कहते कि वो यही सोचते रहते हैं कि कैसे वो आपके साथ एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बनाएं, कैसे वो आपको अपना जीवन साथी बनाएं, कैसे वो आपको अपनी ज़िंदगी में फॉरएवर हमेशा के लिए लेकर आएं, क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। लेकिन वो ये इस बात का स्ट्रेस लेते रहते हैं हर पल कि शायद ये हो ना पाए, शायद अगर ये नहीं हुआ तो कितना हर्ट होगा, या फिर अगर हमने अभी कमिट किया और बाद में ये सब नहीं हो पाया तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि मुझे ये फैमिली वाला कार्ड जो है 10 of Cups, ये उल्टा आया था और मुझे इससे वाइब भी ऐसी ही आई थी कि जैसे उन्हें इस बात का डर लगा हुआ है कि मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ आपके साथ मेरा फ्यूचर बने, आपके साथ मेरी शादी हो एंड ऑल, लेकिन मुझे डर है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या। वैसे ही इतने गुस्से वाले हैं, वैसे ही इतना स्ट्रेस में है, इससे ज़्यादा अगर इनको हर्ट हुआ तो इनसे हैंडल भी नहीं होगा, ये शायद आपसे कहना चाहते हैं। ओके, मैं कुछ मैसेजेस लेती हूँ यहाँ पे व्यूअर्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, काफी कार्ड्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं, देखते हैं कि अगर वह आपसे बात करते तो क्या कहते। ओके, पहला मैसेज आया है आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, ब्यूटिफुल व्यूअर्स, पहला ही कार्ड आया है आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, यानी कि मैं हमेशा के लिए आपका और सिर्फ आपका ही हूँ, या मैं हमेशा के लिए सिर्फ आपकी हूँ। तो वो आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि उनके दिल में, उनके मन में कोई है, इमोशनली किसी से अटैच हैं तो वो सिर्फ आप हो, आपके अलावा वो किसी और के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। तो आई एम योर्स, वो आपके ही हैं फॉर एवर एंड एवर। ओके, नेक्स्ट मैसेज, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, तो व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं है परवाह दूसरों की कि दूसरे क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। तो ये आपको बताते अगर वो आपसे बात करते तो वो आपसे कहते कि आई एम फॉर एवर योर्स
एंड आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, यानी कि मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। अगर वो आपसे बात करते तो वो आपको बताते कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो, आपकी वैल्यू, आपकी जगह क्या है उनके जीवन में, और दूसरों का ओपिनियन, दूसरों की सोच, अगर दूसरे आपके बारे में कुछ गलत कहते हैं या गलत ओपिनियन क्रिएट करते हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है। तो ये कहना चाहते कहते आपसे और कहना चाहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। ये मैसेज काफी बड़ा है। क्या है? यू आर द स्टार दैट आई एडमायर बट सो हाई दैट आई कांट टच। यू आर द स्टार दैट आई एडमायर बट सो हाई दैट आई कांट टच। तो व्यूअर्स, अगर ये आपसे बात करते तो कहते कि आप जहाँ पर हो वो मुझसे कई ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। तो व्यूअर्स, वो जब भी आपकी और अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, उन्हें यही लगता है कि आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइफ में हो, एक अच्छे लेवल पर अपनी लाइफ में हो, आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहीं अपने आप को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, इनकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो इसीलिए वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, जिसको वो पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन उसे पा लेना बहुत मुश्किल है इनके लिए, ये ऐसा सोचते हैं। और ये शायद आपको कह भी देते अगर ये आपसे सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते। ओके, अगला मैसेज है, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। ये काइट्स मूवी का सॉन्ग है, सॉन्ग को जरूर सुन लीजिएगा। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक करेंगे भला, इंतजार कब तक करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। तो व्यूवर्स, जिंदगी दो पल की गाना सुन लीजिएगा। और इन्होंने ये वाला सेंटेंस, ये वाला लिरिक्स जो है, ये आपको डेडिकेट किया है, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। तो व्यूवर्स, अगर ये बहुत टाइम से डिनाई कर रहे थे, मना कर रहे थे अपने आप को और आपको और सबको भी कि इन्हें कोई फीलिंग्स नहीं है, इन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती जानबूझ के इग्नोर या अवॉइड करना, जानबूझ के डिनाई करना एक कनेक्शन को जो ये भी फील करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम्हें प्यार कब तक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब तो हो ही गया है तो तभी तो पूछ रहे हैं कि कब तक नहीं करेंगे, आखिर हो गया। ओके, लास्ट मैसेज व्यूअर्स यहाँ पर है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। तो व्यूअर्स, वो आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो आपसे बात करते तो वो आपसे कहते कि मुझ पर भरोसा करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, या मैं इतना भी गलत नहीं हूँ, या मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है या ऐसा आपने कुछ जाना है, पता लगा है आपको इनके बारे में, जिससे आपका भरोसा उठ गया है इनके ऊपर से, और वो आपसे यही कहते कि ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, आई एम नॉट दैट बैड, यानी कि जितना आप सोच रहे हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ, या जितना आप सोचती हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ, या मैं इतनी बुरी नहीं हूँ मैं जैसा आपको लग रहा है। तो व्यूअर्स, ये कुछ सारी बातें हैं जो वो आपसे कहते हैं अगर वो आपसे बात कर रहे होते। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, और आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, हेल्प किया है। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।